बराबर कर, सही है, थोड़ा जस्ट है करता करना इस तरह, ज़्यादा जूम की थी, सही है। बोलते क्या दे सतन जी, सही कुछ कुछ टॉप लग देना, ओ फिर वो ना कैमरे का, हाँ सारे कैमरे का, बस हम तो हुए इतना सर आने ना आठ दागो तू आठ ये है بسم الله الرحمن الرحيم दूसरी इनिंग्स की शुरुआत हुई है, 259 रन का टारगेट दिया है बाघवार किंग्स ने दिशान क्रिकेट क्लब को ये मैच जीतने के लिए। मौसम का बल्ला अगर चल ये ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, ये टारगेट अंगूर भी हो सकता है। बर्क रफ्तार इनिंग्स खेलने की सलाहियत मौजूद है मौसम में, बाएं हाथ के बल्लेबाज मौसम बॉलिंग लाइन पर मौजूद हैं, बैटिंग के हीरो आसम जिन्होंने आज शानदार सेंचुरी स्कोर की थी अपनी टीम बाघवार किंग्स के लिए। पैदे हो यार आप पैदे हो किंदे में आज किसी और मैं किसी रहे थे मुक्के पर काल अंपायर इजार की जानब से आसम राइट आर्म राउंड विकेट से सामना करेंगे मौसम, मुहतात अंदाज में खेल कर एक रन हासिल किया है। कैप्टन फहीम अजीज आसम मौसम का साथ देने आए हैं अपने बल्लेबाज एक्टर पुठी छाटा मारता था आज तो पुठी छाटा मारता था अच्छा आसम राइट आर्म ओवर द विकेट से सामना करेंगे फहीम अजीज, आए गेंद की कट करने गए थे अंदरूनी किनारा लिया है बल्ले का, रिजवान मौजूद है गली की पोजीशन पर, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया है, एक रन तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया है। इस एक रन के साथ बढ़ते हुए स्कोर है 2। आसम राउंड डी विकेट से सामना करेंगे मौसम, शॉट खेला है ऊंचा शॉट है 6 रन के लिए गेंद जाएगी डीप मिड विकेट बाउंड्री से पार। मौसम अपनी रवायती बैटिंग जारी रखेंगे यकीन है ना, क्योंकि टारगेट 259 का है, एक सेंचुरी ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में, 120 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी, आज भी उसी तरह की इनिंग्स की ज़रूरत है दिशान क्रिकेट क्लब को मौसम के बल्ले से।
आसम एक बार फिर राइट आर्म राउंड दी विकेट से, अच्छी गेंद फुल लेंथ डिलीवरी, बीट किया है मौसम को, गेंद आई है विकेट कीपर काशिफ के ग्लव्स में। आसम एक बार फिर राइट आर्म राउंड दी विकेट से, सामने करेंगे मौसम लेफ्टी, सीधे बल्ले से ड्राइव किया है जीशान मौजूद है, शानदार फील्डिंग उनकी जानब से, निहायत उम्दा एफर्ट, डाइव लगाकर चौका बचाया है अपनी टीम के लिए जीशान ने। आसम एक बार फिर ड्राइव है, जीशान मौजूद है, कैच ड्राप किया है इस बार, पिछली गेंद पर लाजवाब फील्डिंग की थी लेकिन इस बार सीधा कैच ड्रॉप कर दिया जीशान ने। चौके के साथ डॉक्टर का इस्तेमाल किया है बॉलिंग क्रीज पर फहीम अजीज ने। गेंद लग जाएगी, बाल लग जाएगा इस साइड में, ऊपर बैठो अच्छा। मजेदार डॉक्टर तेज गेंद पड़ने के बाद बाहर का मूव ही, रन आउट का चांस है, काशिफ ने नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो किया है और वहां पर मौजूद है फील्डर से गेंद को बैकअप करने में नाकाम रहे हैं, चार रन के लिए गेंद गई है बाउंड्री से पार, पांच रन बाई की सूरत में आएंगे ईशान क्रिकेटर क्लब के मजमू स्कोर में, स्ट्राइक आएगा मौसम के पास। उजैर आए गेंद की कट करने गए थे, तेज गेंद थी, मौसम डॉक्टर एक बार फिर बिग शॉट स्ट्रॉक सीव किया है, गेंद रवान दवा है, छह रन के लिए गई है बाउंड्री से पार, डॉक्टर एक बार फिर आए गेंद की पिछले कदम पर जाकर उठाकर खेले, फील्डर नीचे मौजूद है, कैच लिया उन्होंने आसानी के साथ, मौसम आउट होकर वापस लौटेंगे, बड़ी विकेट है जिस विकेट की तलाश थी बागवार किंग्स को, उजैर डॉक्टर वो विकेट दिलाने में कामयाब हुए हैं।
एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज नौमी शाह, क्लासिकल बल्लेबाज है। उजैर डॉक्टर अपने बॉलिंग निशान पर मौजूद। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की गेंद, अंपायर इजहार ने इसको वाइड करार दिया है। उजैर एक बार फिर राय गेंद की कट किए हैं। नौमी ने इस गेंद को नियाज मौजूद है, इस गेंद को फील किया है। इसी के साथ ओवर खत्म हुआ। शानदार ओवर डॉक्टर का, मौसम की बड़ी विकेट लेने में कामयाब हुए डॉक्टर। दो के बाद 24 एक खिलाड़ी के आउट होने पर चौबीस। आसिम राइट आर्म राउंड विकेट से सामना करेंगे नौमी शाह। इनसाइड एज 4 रन के लिए गेंद गई है थर्ड मैन बाउंड्री से पार। आसम राइट आर्म राउंड विकेट से सामने करेंगे नौमी शाह। शानदार गेंद, फुल लेंथ की गेंद, आखिरी लम्हे पर बल्ला पहुंचाया नौमी शाह ने। उल्टास गेंद जाहिद से थोड़ी सी दूर, एक रन हासिल किए है। दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज वापस मुड़े हैं। दो रन मुकम्मल किए हैं, दो रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 32।
सिंगल डबल से आप अब हारकिंस की टीम को परेशान नहीं कर सकते। टारगेट बहुत बड़ा है जो कि स्कोर बोर्ड पर सजाए है बाग हारकिंग्स ने। 259 रन का पहाड़ जैसा हदफ आज दिया है बाग हारकिंग्स ने। जैर आए हैं इनिंग्स के चौथे ओवर के लिए, फील्डर मौजूद हैं, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया है ज़ीशान लांगान की पोजीशन पर। एक रन बनाने का मौका है, इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 34। स्लॉट में गई हुई गेंद को सीधे बल्ले से शानदार तरीके से भेजा है स्ट्रेट बाउंड्री से पार, 6 रन के लिए उमदा टाइम एंगल नौमी शाह की जानब से। पहला छक्का है उनकी इनिंग्स का, इसी तरह के शॉट्स मुसलसल लगाने होंगे। 40 और चौथा 466 छक्के इस टूर्नामेंट में लग चुके हैं। दिशान क्रिकेट क्लब का बढ़ता हुआ स्कोर है 40। डॉक्टर एक बार फिर रहा है गेंद की, पिछले कदम पर आकर इस गेंद को गाइड किया है। फील्डर मौजूद है नियाज, एक रन बनाने का मौका है, इससे एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 41। उजैर एक बार फिर स्वीप करने गए हैं LBW की जोरदार अपील, अंपायर ने मुस्तरद किया है। शूटर का इस्तेमाल उजैर की जानब से, कीपर पकड़ने में नाकाम रहे, बाय की सूरत में एक रन मुकम्मल किया है। उजैर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से उठाकर खेले हैं, गेंद को पुल किया है 6 रन के लिए, 4 रन के लिए गेंद गई है सॉरी। एक बाउंस खाने के बाद डीप में मिड विकेट पोजीशन पर चौका मिला है नौमी शाह को। इसी के साथ ओवर ख़त्म हुआ 4 के बाद 46 एक विकेट के नुकसान पर दिशान क्रिकेट क्लब। टॉम स्पिनर ज़ीशान को मुतारफ करवाया गया है बॉलिंग अटैक में, बेहतरीन स्पिनर है, मानचरा के चंद बेहतरीन स्पिनर में से इनका शुमार होता है। कंबाइंड डोडियाल की जानिब से भी ये खेलते हैं।
ग्राउंड में की है ज़ीशान ने, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया है ज़ीशान क्रिकेट क्लब के कैप्टन फ़हीम अज़ीज़ ने, छक्के के लिए भेजा है। ज़ीशान हाय गेंद की पीछे गिरी हुई गेंद को बैक फुट पर जाकर कट किया है, फील्डर मौजूद है, रन आउट हो सकते थे अगर डायरेक्ट हिट लग जाती। एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 53। ज़ीशान लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट से सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज नौमी शाह। इन कंट्रोल नहीं थे इस शॉट के, ज़ीशान आए गेंद की, न्याज मौजूद है कवर की पोजीशन पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया है, रन बनाने का मौका नहीं, काफ़ी पीछे गिरा रहे हैं आज गेंद को ज़ीशान। लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट से ज़ीशान, एक और काफ़ी पीछे गिरी हुई गेंद, लेफ्ट आर्म से काफ़ी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर इजहार की जानब से। ज़ीशान लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट से आए गेंद की पीछे गिरी हुई गेंद को इस बार सीधे बल्ले से भेजा है लॉन्ग ऑन बाउंड्री से पार, चार रन के लिए, नहायत ख़राब गेंद ज़ीशान की जानब से। अमूमन ये इस तरह की गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन आज काफ़ी गेंदें देखी गई हैं कि इन्होंने आधे पिच में पटकी हैं। एक बार फिर ज़ीशान लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट से सामना करेंगे नौमी शाह। फील्डर मौजूद है दौलत खान, रन आउट का खतरा है अगर थोड़ी सी फुर्ती दिखा देते, एक रन हासिल किया है। गेंद हवा में है, जाहिद गेंद के नीचे आ रहे हैं, आसानी के साथ कैच को अपने हाथों में थामे हैं और ज़ाहिद डॉक्टर ने एक और विकेट ली है। नौमी शाह आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे हैं, दोनों बेहतरीन बल्लेबाज ज़ीशान क्रिकेट क्लब के आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। पटना
Thank you.
शार्ट खेला है, 6 रन के लिए गेंद जाएगी डीप मिड विकेट के ऊपर से। अनयूजुअल स्टांस है इनका, बिल्कुल क्रॉस खड़े होते हैं जिसकी वजह से बॉलर अपनी लाइन मिस कर देते हैं। एल बी डबल आउट हो गए हैं आसफ अजीज। ये सो बात है पीछे पुरानी ये रिश्ता लगा की बिल्कुल थे फिर से थे की बड़ा ट्रेंड है डॉक्टर अरे सजा कहीं हो रही है।
शॉट खेला है, स्लॉट में गिरी हुई गेंद को भेजा है 6 रन के लिए नागान के ऊपर से बुलंदो बाला छक्का फहीम अजीज के बल्ले से। ए दोनों था ना इशापुर जा पर लो बोला शापुर थोड़ा है वो पर लो आठ ओवर के बाद 82 है मजमू स्कोर। दिशान क्रिकेट क्लब का 3 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। सिक्स मोर इस बार आरफ के बल्ले से, नो बॉल का भी इशारा दिया है अंपायर इजहार ने। सर्कल में 3 फील्डर हैं जिसकी वजह से नो बॉल दी गई है। बस ज्यादा ना मार हेलमेट लाओ हेलमेट लो और गया कुत्ता यो आसम रिजवान लेफ्ट आर्म राउंडी विकेट से शॉट खेला है, खूबसूरत शॉट फहीम अजीज के बल्ले से, गेंद गई है 6 रन के लिए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से पार। बढ़ता हुआ स्कोर है 97, 259 रन का हदफ दिया है बागवार किंग्स ने।
रिजवान लेफ्ट आर्म बॉलर, गेंद उनके हाथ से निकल गया। खूबसूरत शॉट, ग्राउंड शॉट, फील्डर ज़ीशान दौड़ते हुए गए हैं, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया है। दो रन दोनों बल्लेबाजों ने बाकर मुकम्मल किए हैं। ओवर थ्रो का मजीद एक रन लिया है, 3 रनों के साथ 100 रन मुकम्मल होंगे ज़ीशान क्रिकेट क्लब के इनिंग्स के 10वें ओवर में। आई थिंक 9वां ओवर है। रिक्वायर्ड रन रेट 17.04 की है। पुल करने में कामयाब हुए हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी को एक रन के लिए, दूसरे रन भी वापस लिया है। फ्री हिट गेंद, थोड़ा ऐसे दिख दिए, नौ ओवर। सभी के हाथ में गेंद थमाई गई है इनिंग्स के 10वें ओवर के लिए। 9 ओवर के बाद 105, 4 खिलाड़ी का आउट होने पर ज़ीशान क्रिकेट क्लब फहीम अजीज सामने करेंगे समी का। बरक रफ्तार गेंदबाज है समी, शॉट 4 रन के लिए, गेंद को भेजा है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से पार, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद को लेकिन मानक बाउंड्री पार कर दी है। रन आउट हो जाएंगे आरएफ। तो यार, गाड़ी बड़े खराब था कि उन्होंने चुका है।
सभी हाय गेंद की बरक रफ्तार गेंद कट करने जरूर गए थे, गेंद उनकी तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज थी। आइए विकेट कीपर है दौलत खान के ग्लव्स में। सीधे बल्ले से उठाकर खेले हैं, जीशान मौजूद हैं एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया है। एक सौ तेरह दस पर 113 इस छक्के के साथ 50 मुकम्मल हुई है फहीम अजीज की, सॉरी तस्लीम अजीज ने जो छक्का लगाया है, तस्लीम अजीज की 50 ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी है। शॉट खेला है तस्लीम अजीज ने, 6 रन के लिए गेंद जाएगी लॉन्ग एंड बाउंड्री के ऊपर से। स्कोर 128 और 11। हाँ बाकी चलो जीशान बॉल कर दिया इस बार, 2 छक्के ज़रूर लगाए थे लेकिन बॉल करने में कामयाब हुए हैं तस्लीम अजीज़ को। 5वीं विकेट गिरी है जीशान क्रिकेट क्लब की।
فہیم دے کون 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 एक सौ अठाई समी आए गेंद की शॉट स्लॉट में गिरी हुई गेंद को उठाकर खेले हैं। गेंद जाएगी छह रन के लिए लांगन बाउंड्री से पार। फहीम अजीज अलान वॉरियर सिर्फ वही आज बाघवार किंग्स की बॉलिंग का मुकाबला कर रहे हैं, उनके अलावा सभी बैट्समैन आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। पांच खिलाड़ी आउट हैं, मुस्तैद बल्लेबाज तमाम आउट हो चुके हैं। एक और छक्का इस बार उठाकर खेले हैं, डीप मिड विकेट के ऊपर से बुलंद वाला शॉट, फलक शगाफ छक्का। फहीम अजीज की जानब से उमदा बल्लेबाजी, दो गेंदों पर दो छक्के रसीद किए समी को। बढ़ता हुआ स्कोर है 140, फहीम अजीज़ का इनफरादी स्कोर पहुंचा है 64 पर। 31 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। दो की काल स्ट्रेट अवे की है फहीम अजीज ने, फील्डर से शफल हुआ है जिसकी बदौलत आसानी के साथ दो रन मुकम्मल होंगे। एक सौ इकतालीस बैतालीस वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप, 142, 200 को तो 100 रन है, 100 को कुछ रन हो गए। लो फुल टॉस जोरदार तरीके से खेले हैं, गेंद जाएगी डीप कवर बाउंड्री से पार है चार रन के लिए। स्कोर हो गया 147 शॉट पुल किया है इस गेंद को, बॉल गिलान को डिस्टर्ब करते हुए शिफलिंग करके विकेट के सामने गए और उठा कर खेले हैं डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से पार छः रन के लिए। और बारमा 153 हो चुका है मजमू स्कोर, फहीम अजीज का इनफरादी स्कोर पहुंचा है 76 पर। तीसरा छक्का इस ओवर में रसीद किया है समी को, एक चौका भी उसके साथ लगा चुके हैं। महंगा ओवर समी की जानब से, एक बार फिर समी राइट आर्म ओवर द विकेट से अपने बॉलिंग निशान से सामना करेंगे। फहीम अजीज शफलिंग करते हुए एक बार फिर विकेटों के सामने गए, कट किया है इस बार चार रन के लिए डीप पॉइंट बाउंड्री से पार। उमदा बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी फहीम अजीज की जानब से जारी है। इसी के साथ ओवर ख़त्म हुआ 12 के बाद 157। छत्तीस गेंदों पर 102 रन की जरूरत है यह मैच जीतने के लिए दिशान क्रिकेट क्लब को। Thank you.
साथ सामना करेंगे। ज़ीशान को लाया गया है बॉलिंग की जिम्मेदारी संभालने के लिए। आए गेंद की एक रन बनाया है। फहीम अजीज को स्ट्राइक वापस रोटेट किया है। बिग शॉट, सिक्स मोर ओवर डीप मिड विकेट। पीछे गिरी हुई गेंद, काफ़ी टाइम मौजूद था फहीम अजीज के पास। इस गेंद का इंतज़ार करके पुल किया और छक्का हासिल किया। ज़ीशान एक बार फिर लेफ्ट आर्म और स्लॉट सीव किया है। छह रन के लिए गेंद जाएगी लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से। फहीम अजीज डटे हुए हैं, भरपूर मुकाबला कर रहे हैं बागवार किंग्स का। 92 हो चुका है उनके इनफरादी स्कोर, सिर्फ 37 गेंदों को उन्होंने सामना किया है। 8 रन से दूर हैं अपनी शानदार सेंचुरी से। बागवार किंग्स का बढ़ता हुआ स्कोर है 170। ज़ीशान आज नहायत महंगे साबित हुए हैं अपने कोटे के आखिरी ओवर में। 51 रन उनको पड़ चुके हैं, 2 विकेटें ले रखी हैं। 170 हो चुका है ज़ीशान क्रिकेट क्लब का मजमूई स्कोर। ज़ीशान एक बार फिर अपने बॉलिंग निशान पर मौजूद है लेफ्ट आर्म राउंड की विकेट से। लो फुल टॉस गेंद निकाल दिया है, इस गेंद को भी 4 रन के लिए गेंद जाएगी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से पार। उमदा बल्लेबाजी, शानदार टाइमिंग फहीम अजीज की। इसे चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 174। 96 हो चुका है फहीम अजीज का इनफरादी स्कोर, सिर्फ 38 गेंदों को उन्होंने सामना किया है। ज़ीशान एक बार फिर लेफ्ट आर्म राउंड दी विकेट से सामना करेंगे फहीम अजीज। आए गेंद की बड़े शॉट के लिए गए हैं, फील्डर मौजूद हैं नियाज मिड विकेट की पोजीशन पर। जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे, दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज वापस मुड़े हैं और रन आउट। अंपायर ने नॉट आउट दिया है। दो रन लिए हैं, 98 हो चुका है फहीम अजीज का इनफरादी स्कोर, सिर्फ 2 रन की दूरी पर हैं लाजवाब सेंचुरी से। ज़ीशान अपने ओवर की आखिरी गेंद के साथ सामना करेंगे फहीम अजीज। 98 के इनफरादी स्कोर पर कट किया है इस गेंद को, एक रन बनाने का मौका है। एक ही रन पर इक्तफा करना पड़ेगा। इसी के साथ ओवर ख़त्म हुआ। 13 के बाद 177 हो गए। कितने रह गए सर? 82 रह गए। 30 गेंदों पर 82 रन की मजीद ज़रूरत है यह मैच जीतने के लिए ज़ीशान क्रिकेट क्लब को। स्कोर कार्ड आपके सामने है। फहीम अजीज के अलावा कोई भी बल्लेबाज आज जमकर मुकाबला नहीं कर सका। 99 रन की शानदार इनिंग्स खेल रखी है फहीम अजीज ने, सिर्फ 1 रन दूर है अपनी लाजवाब सेंचुरी से। उनके अलावा 23 रन किए थे नौमिशा ने 5 गेंदों पर 14 रन की इनिंग्स खेलने के बाद। तस्लीम अजीज आउट हुए थे। लॉन वॉरियर, वन मैन आर्मी, सज्जाद को लाया गया है बॉलिंग करवाने के लिए इनिंग्स के 14वें ओवर के लिए। 30 गेंदों पर 82 रन की ज़रूरत है। 2 ओवर अगर अच्छे लग जाते हैं तो ज़ीशान क्रिकेट क्लब का पलड़ा भारी हो जाएगा इस मैच में।
फहीम अजीज का आखिर तक ग्रीस पर रहना जरूरी होगा। निशान क्रिकेट क्लब की जानिब से डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, डीप कवर, और फील्डर बाउंड्री के साथ चिपके हुए हैं, ग्रीस से आगे जाकर खड़े हुए हैं। सजाद राइट आर्म ओवर द विकेट से आई गेंद की सीधे बल्ले से शानदार टाइम एंड शॉट, 6 रन के लिए गेंद जाएगी। इसी के साथ शानदार सेंचुरी मुकम्मल हुई है फहीम अजीज की। बल्ला फिजा में बुलंद करके अपने डगआउट में मौजूद साथियों की दाद का जवाब दिया फहीम अजीज ने। उम्दा बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, काबिले दीद इनिंग्स, दूसरी सेंचुरी आज के इस दिन की फहीम अजीज, वेल प्लेड, नहायत उम्दा बल्लेबाजी, बरक रफ्तार इनिंग्स जब तमाम उम्मीदें टूट गई थी। निशान क्रिकेट क्लब की उस लम्हे पर इस तरह की नाक खेलना माने रखता है। अब उनकी नज़रें टारगेट को अबूर करने पर। सज्जाद आए, स्लोरवान गेंद, इंतज़ार करके हवा में खेले हैं, काशिफ गेंद के नीचे आ रहे हैं और कैच लेने में कामयाब हुए हैं। सज्जाद ने विकेट ली है फहीम अजीज की। इसी के साथ निशान क्रिकेट क्लब की उम्मीदें दम तोड़ती हुई इस मैच में सेंचुरी स्कोर करने के बाद फहीम अजीज आउट होकर पवेलियन वापस लौट जाएंगे। गुड बैटिंग जी, फखर साथी, फखर साथी। बोल है मजम आ गया, बोल ना। दौलता मैं ही तो फसना वाला यार, अली डॉन भी आए थे उधर। पाली ना खड़ी हो उधर, खड़े चली चले काम कर। कैसे चढ़ना उनको लाली फिर के पांच रो इधर फहीम अजीज नहायत उम्दा इनिंग्स खेलने के बाद आउट हो चुके हैं। स्कोर 183। सज्जाद ने बड़ी विकेट दिलाई है फहीम अजीज की। मैच में वापसी हुई है बागवार किंग्स की। सामना करेंगे मुअज्जम। सज्जाद आए गेंद की, बड़े शॉट के लिए गए हैं। स्लोर वन गेंद है, स्लोर वन पर ही विकेट ली थी फहीम अजीज की काशिफ की मदद के साथ। साथ भी बड़ी शॉट शॉट्स लगाने की महारत रखते हैं। एक मैच में हमने देखा था कि एक बरक रफ्तार बारी इन्होंने खेली थी। सज्जाद आए गेंद की, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे इस गेंद को ऑफ साइड की दिशा में, बीट हुए हैं। गेंद आई विकेट कीपर दौलत खान के पास, उम्दा ओवर, टर्निंग पॉइंट मैच का साबित होता हुआ यह ओवर सज्जाद की जानिब से। सज्जाद राइट आर्म ओवर दी विकेट से सामना करेंगे। साध आए गेंद की, धीमी गति की गेंद, आउट हो जाएंगे। जी हाँ, दौलत ने आसान सा कैच लिया है। एक और विकेट है सज्जाद के खाते में। बाग़वार किंग्स को वापसी दिलाई है सज्जाद ने इस मैच में। तेरह
हाजी मोहम्मद ने आने वाले बल्लेबाज टैलेंडर की अब शुरुआत हुई है। क्या ठीक है जी सर पानी स्कोर क्यों है इनका स्कोर 184 कितनी गेंद रह गई है रह गई है 24 गेंद चवी गेंद ने कितने रन मुझे रन ला जी 57-59 और रन ने 66 चवी गेंद 66 रन छतर रह गए छह में छतर चौबीस बाल छतर छतर जो हमारा छतर है बॉल्ड कर दिया है आसम ने मिडिल स्टंप को उखाड़ दिया है गलती हो गई जी माफ़ कर देने 75 रहते हैं 75 मसब ने बल्लेबाज 8 खिलाड़ी जगड़ हो चुके हैं सिर्फ 2 विकेट मजीद बाकी बची हैं दिशान क्रिकेट क्लब के पास बॉलम किलर जारकर आज का मैन ऑफ द मैच भला किसी जगह का आसम का बनता है 2 विकेटें भी ले रखी हैं जबकि शानदार सेंचुरी भी स्कोर की थी आसिम अपने बोले निशान से यार करने की कोशिश लो फुलटास को खेले
डीप है मिडविकेट की पोजीशन पर मौजूद है नियाज, इसी के साथ है चार गेंदें हुई हैं इस ओवर की 185। बॉल डैम, इट्स ऑल ओवर फॉर दिशान क्रिकेट क्लब। बागवार किंग्स अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। बागवार किंग्स यंग स्टार्स बेदादी और दोराहा लेवन, इन ये तीनों टीमें अब मोटरसाइकिल की जंग में रह गई हैं। बंद करो ए!